डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग क्या करते हैं कि छत पर कपड़ा सुखाते हैं, जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। कपड़े से पूरा पानी टपकता है छत पे, और ये छत पे स्टोन लगा हुआ है, टाइल्स लगा हुआ है, पूरा फैल जाता है। टाइल्स के बीच में जो दरार होती है, ज्वाइंट होता है, वहाँ से पानी पूरे छत के नीचे जाता है और एक तरफ से पूरे जो लिंटर का मेन पार्ट होता है उस पर फैल जाता है और धीरे धीरे पूरे कमरे में सीलन लीकेज कर देता है। ये 12 महीने साल में 12 महीने ये समस्या लगी होती है। लोग सोचते हैं कि बारिश में सीलन लीकेज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर अपने छत पर काम करते हैं, पानी वगैरह भी फैलता है, तो उससे भी ये होता है। छत पर क्रेक आ जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, छत से लेकर दीवार तक क्रेक आ जाता है और आपको कहीं ना कहीं इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। दूसरा, ये देखिए, आपको ये टैंकी लगी हुई है, पानी का स्टोरेज है, जब भी पानी भरता है तो कुछ फ्लो होता है, पूरे छत पर बह रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, छत पर पानी फ्लो हो रहा है। इससे क्या होता है कि एक तो वाइब्रेशन से क्रैक आता है और इसी क्रैक में पानी जाएगा तो सिलेंडर लीकेज आपके कमरे में बने रहेगा, धीरे धीरे पूरे लिंटर को ख़राब कर देगा, छत को जर्जर कर देगा। तो ये सब चीज़ से कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और घर होता है या कोई कंस्ट्रक्शन कराते हैं, ज़िंदगी में 1 से 2 बार ही होता है, ऐसा भी नहीं है कि बार बार छत तोड़वा के नया कराएंगे। तो उससे अच्छा होता है कि आप वाटर प्रूफिंग का काम करा लीजिए अपने छत पर, या वाटर प्रूफिंग का काम करा के स्टोन लगाइए, टाइल्स लगाइए, उसके बाद जितना मन हो आप अपने छत पर पानी फैलाइए, 12 महीना फैलाइए, 24 आवर्स फैलाइए। इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।